आपने कहावत सुनी होगी कि घर का वेदी लंका ढाए। जहाँ दोस्तों ये पहले रामायण में विभीषण के लिए कहा गया था, लेकिन दोस्तों अब हर घर में विभीषण हो गए हैं। हर घर में ऐसे व्यक्ति आ गए हैं जो अपने धर्म को बदनाम करने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, चाहे व्रत हो, चाहे पूजा हो, या कोई भी तरह का त्यौहार हो, तरह तरह की रील्स बना रहे हैं और ऐसी रील्स बना रहे हैं, ऐसी घटिया रील्स बना रहे हैं दोस्तों, जिसमें दूसरे धर्म के व्यक्ति अगर इस रील्स को देखेंगे तो वो आपके सनातन धर्म का मजाक बनाएंगे और उस पर हंसेंगे और बहुत ही गंदे तरीके से कमेंट भी करेंगे। दोस्तों अभी करवा चौथ का व्रत चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, आज ही करवा चौथ का व्रत है और लोग दोस्तों इससे पहले ऐसी ऐसी रील्स बनाई है, आप जिसे देखेंगे आपको लगेगा कि किस तरह के लोग हैं जो अपने धर्म को ही बदनाम करने में लगे हैं। जी हाँ दोस्तों, आइए दोस्तों आपको हम एक वीडियो क्लिप दिखाते हैं। इस वीडियो क्लिप में देखेंगे आप कि ये पत्नी किस तरह से अपने पति के ऊपर पैर रख के चढ़ी है और छन्नी से अपने पति को देख रही है। दोस्तों इस वीडियो क्लिप को देखिए। आइए आपको हम एक और वीडियो क्लिप दिखाते हैं जिसमें एक पत्नी अपने पति की आरती उतार रही है और आरती में क्या गा रही है आप खुद सुनिए। ठटरी बरे स्वामी तोरी ठटरी बरे काम दाम ना करबे। एक और वीडियो हम आपको दिखाते हैं जिसमें एक पत्नी अपने पति की पूजा कर रही है, पूजा करने के बाद फिर चप्पलों से मार रही है। इस वीडियो को देखिए। चल पानी पिया। वीडियो आपको दिखाते हैं जिसमें एक पति पत्नी पूजा कर रहे हैं और उसमें वो थाली में फूल फल की जगह वो दारू की बोतल और गुटखा रखे हुए हैं और साथ में अपने पति की पूजा चल रही है और गाना बज रहा है करवा चौथ का। इस वीडियो को देखिए। दोस्तों आइए आपको हम एक और वीडियो दिखाते हैं जिसमें पति अपनी पत्नी को लोटा से पानी नहीं पिला रहा, बाल्टी से पानी पिला रहा। इस वीडियो को देखिए। दोस्तों ऐसे अनगिनत लाखों हजारों वीडियो, हजारों रील्स पड़ी हुई दोस्तों, जो कि मतलब इस तरह के घटिया हरकत करके रील्स बनाई जा रही है, वो भी सनातन धर्म का जो पवित्र त्यौहार है करवा चौथ। दोस्तों करवा चौथ की कथा अगर आप सुनेंगे और आपने सुनी होगी दोस्तों, तो आप इस तरह की रील्स नहीं बनाएंगे। पति का क्या महत्व होता है ये आपको पता होगा, लेकिन दोस्तों आजकल के जो मॉडर्न लोग हैं, मॉडर्न युवा हैं और युवती हैं, वो इस तरह की अपने आप को फेमस करने के लिए और अपने रील्स को फेमस करने के लिए, व्यूज़ और कमेंट के लिए दोस्तों इस हद तक गिर चुके हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। गलत तरीके से बिल्कुल सनातन धर्म को पेश किया जा रहा है और आने वाली जो पीढ़ी है दोस्तों, बच्चे क्या सीखेंगे? आपके मन में क्वेश्चन होना चाहिए कि हम अगर इस तरह की रील्स बना रहे हैं, हमारे पेरेंट्स, हमारे रिश्तेदार और हमारे समाज के लोग जो सनातन धर्म से संबंध रखते हैं वो क्या सोचते हैं। अगर आपके मन में ज़्यादा सा विचार आया होता तो आप सभी लोग इस तरह की घटिया रील्स नहीं बनाते।